Assalamualaikum everyone, welcome back to another day, welcome back to another vlog. और आज है चांद रात और कल है ईद. आज तीसरा रोज़ा भी है, सो बहुत सारे काम करने हैं. सफाई करनी है रूम की, मेहंदी लगानी है. मम्मी के मेहंदी जाके लगा रही. मम्मी ने बोला था अभी वो सर पे मेहंदी लगाई थी उन्होंने, तो थोड़ी देर बाद में उन्होंने बोला था कि आके मेरे पैर पे पड़ देना, तो उनके पैर पर क्या है और पैरों पे मेहंदी लगा के आनी है. जो है बहुत सारे कॉल पे बात की थी, लाइक सऊदी से बहुत सारे कॉल आए थे मेरे चाचा के, मेरे बड़े पापा के, और जिया जी का भी कॉल आया था, फरीदा अन्ना के पापा का. उनसे भी बात की, सबको ईद मुबारक की, क्योंकि उनकी ईद हो गई है आज, कल हमारी ईद है. सो उन सबको जो है ईद मुबारक किया. लगा गई मम्मी की मेहंदी हाथों पे पैरों पे. उन्होंने कहा था पैरों पे तो सिर्फ आगे आगे लगा दो उंगलियों पे, लेकिन मैंने कहा चलो पैरों पर देते हैं, अच्छे लगेंगे पैर. और मेरे हाथ जो है पूरे भर गए हैं अच्छे खासे मेहंदी. दिखी दिखी ये चांद गया, ये रहा ईद मुबारक. चांद मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक. अनु चांद क्या नहीं वजू कर गई हूँ, वजू कर रही हूँ. चांद मुबारक, चांद के साथ फोटो खिंचवा रहा है. हाँ रह जो आऊँ मैं अमावस्या चांद. चलो नमाज पढ़ो मगरिब की. ये डायलॉग वापस मारना, मैंने अभी बोला चांद देख क्या थे, क्या बोला हमने? मैं पूरा अमावस्या वाला चांद देखता हूँ. ये जोक था, हंसना था, सीरियस था ना? चलो चलो चांद देख आते, चलो. मम्मी से ऊपर जो चढ़ा नहीं जाता सीढ़ियों से, तो वो गली में से देख रहे हैं अगर दिखते हैं. देखिए मम्मी कौन दिख रहा है. चांद दिख गया ईद का, नमाज भी पढ़ ली मगरिब की, रोज़ा भी खुल गया, 30 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए. और जो है कल ईद मनाएंगे इंशाल्लाह, और अभी थोड़ी बहुत और तैयारी करेंगे, मेहंदी वेहंदी लगाएंगे, थोड़ी तैयारी सुबह मॉर्निंग की भी करनी है. सुबह उठे 4 बजे उठे, खीर भी बनानी है, और अभी जो है कुछ चीज़ें जो भी करके रखनी होगी. हाथ फिराऊं पहले, मैं हाथ फेरू तू हाथ फिरे. चांद मुबारक, चांद मुबारक, मगे बोल तेन बोलते खैर मुबारक वो क्या बोला और राना रो चांद मुबारक. तो जी यहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई है ईद की. ये सारे जो है पापड़ करना है, इसको पूरा भरना है, अभी नीचे पड़े हैं. पहले हमने सोचा था कि
सुबह तल लेंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि सुबह बहुत सारे काम और भी होंगे, सभी तल के रख देते हैं पापड़ वगैरह, तो सही है। काली मिर्च पीसिए पापा के, चलो चाट मसालों वाले छोला ऊपर घेर की। काली मिर्च भी पीस कर रखूं? काली मिर्च पीस ली। हाँ। मसाला खत्म हो गया है ऊपर चाट। हाँ। तो जी 10 बज गए ऑलरेडी, ना तो मेहंदी लगाई है, ना थोड़ा स्किन केयर करना था वो भी नहीं किया है, और हालत जो है टाइट हो गई है, मतलब आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, और बस मेहंदी लगाने का मन है बहुत, लेकिन 10 बज गए और मुझे इतनी गंदी नींद आ रही है। चना की मेहंदी लगा दी इन्होंने, और सेम जो है भाभी की भी लगाई है। ये टुकड़ी कर दी है ना, दिखाओ तो भाभी पीछे से, ये दिखाओ, ये वाला हाथ दिखाओ, इतनी प्यारी लग रही है, और यही जो सेम है ना, यही सेम मैं लगवाने वाली हूँ अपने हाथों में। मैं स्किन केयर करके आई हूँ फटाफट से अपना। तो जी मेरी मेहंदी शुरू हो गई है, मैं सोच रही हूँ एक हाथ पे लगाऊँ दोनों हाथ पे लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा, दोनों हाथों पे लगा लेती हूँ, पीछे की साइड में लगाती हूँ, आंखें ध्यान देती हूँ, नाखून जो है वो रेड करेंगे हम, क्योंकि पैर वे नहीं भरेंगे हम। भाभी आज सब लगी हुई है पैरों पे हाथों पे लगाने के लिए, तो गजब की डिमांड में आज तो भाई साहब, तीन तीन लोगों की मेहंदी लगाई, क्या बात है, अभी खुद के भी लगाएगी मैं। रात के दिन अगर शोहर अगर मेहंदी लगा रहे कितने अच्छी बात होती है बताइए। एक नाखूनों पे तो मैंने लाल कर लिया, इस बार पैर भी नहीं भरे मैंने, ठीक है, तो दूसरे नाखून पे अब लगाऊँ कैसे, और ये सो नहीं रहा है, मम्मा सुलाई चिपक के सुला रखा है मैंने इसको, मैंने इनको बोला है नाखून नाखून पे लगा दो।